सब्सक्राइब कीजिए और क्लिक कीजिए बेल आइकॉन पर लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। आज मैं आपको बताऊंगा अगर GTA Vice City में अननोन एरर डाउनलोड नाम का एरर आता है तो उसे कैसे फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ इस तरह का अननोन डाउनलोड एरर, इस तरह का आता है एरर तो कैसे फिक्स कर सकते हैं, तो यही बात बताऊंगा। तो बात बताने के पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये क्यों आता है। ये आने का कारण मैं आपको बता देता हूँ। फाइल मैनेजर में जाएंगे और आपने SD कार्ड में एंड्रॉइड नाम के फोल्डर में मूव कर रखा होगा ये OBB फाइल, या फिर फ़ोन स्टोरेज में जहाँ भी आपने कर रखी हो इसकी फाइल GTA Vice City की। तो अगर आपने SD कार्ड में एंड्रॉइड OBB के फोल्डर में मूव कर रखा है ये वाली फाइल OBB GTA Vice City की, तो फ़ोन स्टोरेज में मूव कर लीजिए। अगर फ़ोन स्टोरेज में मूव कर रखी है तो SD कार्ड में मूव कर लीजिए एंड्रॉइड OBB फोल्डर के अंदर। तो आपको बस इतना ही करना है। तो ये आप देख सकते हैं मैंने SD कार्ड में मूव कर रखी थी तो अननोन एरर डाउनलोड बोल रहा था। तो अब मैं फ़ोन स्टोरेज में मूव करूँगा तो ये थोड़ा टाइम लगेगा, तो मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मूव होने वाला है, तो यही तरीका है। और फिर मैं आपको अब ओपन करके भी दिखाऊंगा। ये होने वाला है, एक सेकेंड, ये हो गया। तो आप देख सकते हैं फ़ोन स्टोरेज में मूव कर लिया मैंने SD कार्ड से। और ये मैं GTA VC ओपन करूंगा, ये दोबारा दिख रहा है, मैं एक बार क्लिक कर दिया जाए और फिर ये ओपन हो रहा है, एक सेकेंड, ये देखिए ओपन हो गया। तो इस तरह से आप फिक्स कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, और ऐसे वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।